अगर हम बार बार गिरते हैं तो अच्छी तरह से चलने का रहस्य सीख जाते हैं, इसलिए असफलताओं से डरिए मत, निरंतर कोशिश करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल के करंट अफेयर पर। देखिए आज इस वीडियो में हम 12 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करंट अफेयर के PDF लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि आसियान इंडेक्स किन 2 देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो देखिए जो आपका आसियान इंडेक्स है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संयुक्त नौसेना का अभ्यास है। और अगला था कि हाल ही में किस स्विट्जरलैंड स्थित NRI वैज्ञानिक को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र जोशी। और देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान क्या है इसके बारे में मैंने परसों के वीडियो में डिटेल में बताया है, तो परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न था कि किस तिथि को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राजस्थान दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है और 30 मार्च को हम क्यों मनाते हैं ये भी मैंने परसों के वीडियो में बताया था, तो परसों का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगला था कि भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना ICC महिला T20 खिलाड़ियों की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर हैं। तो देखिए ये जो है इस रैंकिंग में 3रे स्थान पर हैं। और अगला था कि पुस्तक इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के लेखक कौन है। तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर YV रेड्डी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। तो देखिए इनका नाम है जुजाना कैपुतोवा। आपको फिर से सरल शब्द में बता दूं कि जुजाना कैपुतोवा जो है ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुनी गई हैं। और देखिए स्लोवाकिया के बारे में बता देता हूँ। देखिए स्लोवाकिया जो है आपका स्लोवाक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है और इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी है ब्रास्टिस्लावा। और देखिए जो आपका स्लोवाकिया देश है इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा यूरो है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्लोवाक। और देखिए स्लोवाकिया की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए ये आपका स्लोवाकिया देश है और इसकी सीमा जो है ये पोलैंड के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और हंगरी के साथ और यूक्रेन के साथ लगती हैं। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीत लिया है। तो देखिए ये देश आपका दक्षिण कोरिया है और दक्षिण कोरिया जो है इसने भारत को हराकर 2019 का सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है। देखिए आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए दक्षिण कोरिया जो है इसने 5 बार के चैंपियन, देखिए भारत जो है अब तक 5 बार चैंपियन बन चुका है सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप टूर्नामेंट का। ठीक है तो दक्षिण कोरिया ने 5 बार के चैंपियन भारत को अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया है। और देखिए जो आपका सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट है ये आपका जो है मलेशिया के ईपोह में आयोजित किया गया था और मलेशिया जो है इसका मेजबान देश था। तो देखिए जो आपका ये सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट है इसके बारे में हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना कि 2019 के विजेता का नाम है दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जो है 2019 का ये खिताब अपने नाम किया। और तीसरा प्रश्न है कि मियामी ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो देखिए 2019 का जो मियामी ओपन चैंपियनशिप है इसमें पुरुष एकल खिताब जीता है रोजर फेडरर ने। और देखिए जो आपके रोजर फेडरर हैं ये स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने जान इसनर को जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, ठीक है, इनको हराकर जो है ये खिताब जीता है। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के जान इसनर को हराकर मियामी ओपन 2019 में पुरुष एकल का जो है खिताब जीता। और देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मियामी ओपन 2019 टेनिस टूर्नामेंट के सभी विजेताओं के बारे में क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा पुरुष एकल और महिला एकल खिताब के बारे में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको 4 विजेताओं के बारे में बताऊंगा और इन 4ों को याद रखना है ताकि कुछ भी एग्जाम में पूछ ले आप आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो देखिए आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि जो आपका मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 इसमें पुरुष एकल खिताब जीता है स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संयुक्त राज्य के जान इसनर को हराकर, और इसमें महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया की एसलेक बार्टी ने चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिसकोवा को हराकर। और देखिए जो इसमें पुरुष डबल्स का खिताब था इसको जीता है USA के बाब ब्रायन और माइक ब्रायन की जोड़ी ने, नीदरलैंड के वेस्ले कूलहोप और ग्रीस के स्टेफानो सिटीपस की जोड़ी को हराकर। और देखिए इसमें जो महिला डबल्स का खिताब इसको जीता है बेल्जियम की एलिस मर्टेंस और बेलारूस की आर्याना सबलेनका की जोड़ी ने, ऑस्ट्रेलिया की समंथा स्टोसुर और चीन के झांग सुआई की जोड़ी को हराकर। तो आप इन सभी विजेताओं का नाम याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें पुरुष एकल और महिला एकल खिताब किसने जीता है यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन दोनों पे विशेष फोकस कीजिएगा।
और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 84वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है 1 अप्रैल 2019 को। और देखिए ये डेट आपको याद रखनी है, ये डेट सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 अप्रैल 2019 को हमने 84वां स्थापना दिवस मनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और देखिए थोड़ा सा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। और रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है ये शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन अस्थायी रूप से 1937 में मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है केंद्रीय कार्यालय, तो देखिए यहाँ पे जो केंद्रीय कार्यालय की हमने बात की पहले कलकत्ता में था फिर बाद में ये मुंबई में स्थानांतरित हो गया 1937 में, ठीक है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय कार्यालय होता है ये वो स्थान होता है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बैठता है और जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कई सारी नीतियाँ यानी कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये डिटेल याद रखना है और इसके बारे में कुछ और भी डिटेल आपको बता दूँ ताकि आपको जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न में प्रॉब्लम ना हो। देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जब इसकी स्थापना हुई थी इसका जो लोगो था, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर से प्रेरित था। और इसका गठन जो है आपका मैंने बता दिया 1 अप्रैल 1935 को एक निजी संस्था के रूप में किया गया था लेकिन अब यह एक सरकारी संस्था है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक सरकारी संस्था है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1949 तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो 1949 के बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये केवल मुद्रा नोट छापने के लिए जिम्मेदार है यानी कि ये जो नोट आप देखते हैं 100 200 50 100 मतलब जितने भी नोट होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है लेकिन जो आपके सिक्के होते हैं, ठीक है, तो सिक्कों को कौन बनवाता है इसको ढलवाता है भारत सरकार, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा सिक्कों का जो है खनन किया जाता है। और देखिए आरबीआई के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनने वाली जो पहली महिला है इनका नाम है केजे उदेसी और ये जो है 2003 में नियुक्त हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहले महिला डिप्टी गवर्नर के रूप में। और देखिए एक खास बात और है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने 1938 में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया था और फिर उन्हें जो है 1954 में फिर से शुरू किया गया और 1978 में पुनः जो है इसका विमुद्रीकरण किया गया था। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में करेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके वर्तमान में जो गवर्नर है इनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होता है और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं, देखिए पहले डिप्टी गवर्नर आपके हैं एन एस विश्वनाथ और दूसरे आपके हैं डॉक्टर विरल वी आचार्य, तीसरे आपके हैं वीपी कानूनगो और चौथे आपके हैं महेश कुमार जैन। तो ये जो वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो इनके नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे ICICI सिक्योरिटीज़ के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए अभी हाल ही में विजय चंदोक को ICICI सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपका ICICI सिक्योरिटीज़ है ये आपकी ICICI बैंक की एक सहायक कंपनी है, ठीक है। और देखिए इन्होंने यानी कि विजय चंदोक ने जो है इस पद पर किसका स्थान लिया ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपके विजय चंदोक जी हैं इन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के पद पर जो है स्थान लिया है शिल्पा नवल कुमार का। और छठा प्रश्न है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो है किस तिथि से प्रभावी हुआ, तो देखिए ये प्रभावी आपका हुआ है 1 अप्रैल से। तो फिर से बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का जो है विलय हो चुका है और ये प्रभावी हो चुका है 1 अप्रैल 2019 से। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार विजया बैंक और देना बैंक के जमाकर्ताओं सहित ग्राहकों को 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के रूप में जो है माना जाएगा, यानी कि अगर आपका अकाउंट विजया बैंक में है और देना बैंक में है तो अब जो है आप कहलाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर। और देखिए विलय के बाद जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया, ठीक है। देखिए मैं आपको कई दिनों से ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि विजया बैंक और देना बैंक का जो है विलय होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि विलय के बाद जो है जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है ये भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। और देखिए एक खास बात और है, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो आपकी भारत सरकार है, ठीक है, तो विलय के बाद जो है इसमें 5,042 करोड़ रुपए का जो है फंड देने के लिए तैयार है, तो ये जो है फंड भी अब मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो ये सभी चीज़ जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो विलय के बाद जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है, तो देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है ऑक्सफैम के द्वारा। देखिए आपको बता दूं सरल शब्दों में कि ऑक्सफैम इंडिया जो है इसने अभी हाल ही में माइंड द गैप स्टेट ऑफ
एम्प्लॉयमेंट नामक एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय श्रम बाजार में गुणवत्ता युक्त नौकरी की कमी तथा मजदूरी दर में बढ़ती असमानता जो है ये आम बात है। तो फिर से बता दूं कि माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है ऑक्सफैम के द्वारा, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय श्रम बाजार में गुणवत्ता युक्त नौकरी की कमी और मजदूरी दर में बढ़ती असमानता जो है ये आम बात है। और देखिए आठवां प्रश्न है कि दिल्ली सरकार की किस टीचर को हाल ही में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपका मार्था फेलर पुरस्कार, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान सुनिएगा एक एक फैक्ट, क्योंकि सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिल्ली सरकार की अभी हाल ही में जो आपकी एक टीचर, इनका नाम है मनु गुलाटी, तो इनको जो है मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये आपकी मनु गुलाटी जी हैं। और देखिए एक खास बात है कि जो आपकी डॉक्टर मार्था फेरल हैं, ठीक है, तो इन्होंने लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया था। और देखिए बता दें आपको कि मार्था फेरल जो है ये अवार्ड उनकी याद में 2017 में शुरू किया गया था। तो जो आपकी मार्था फेरल जी थी, तो इनकी जो है याद में ये अवार्ड 2017 में शुरू किया गया, और ये पुरस्कार जो है ये रिजवान अदातिया फाउंडेशन और पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया द्वारा सह प्रायोजित और मार्था फेरल फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। और देखिए इसके बारे में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये पुरस्कार जो है ये दो श्रेणियों में दिया जाता है, मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल और बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी की कैटेगरी में, ठीक है, तो ये दो श्रेणियों में यानी कि दो कैटेगरी में दिया जाता है। और इसमें जो आपकी ये मनु गुलाटी है, ठीक है, तो इनको जो है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है 1.5 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल श्रेणी में, ठीक है, तो इनको जो है मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए 2019 की मार्था फेरल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इनका नाम है मनु गुलाटी, और ये दिल्ली सरकार में एक टीचर हैं। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी की, तो देखिए जो आपका बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी श्रेणी का पुरस्कार है, इसको जो है महिला जन अधिकार समिति को प्रदान किया गया है इस साल, तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे पाकिस्तान का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, तो देखिए पाकिस्तान के नए विदेश सचिव अपॉइंट हुए हैं सुहैल महमूद, और देखिए सुहैल महमूद जो है आपके अब तक अगस्त 2017 से जो है उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे थे भारत में, ठीक है, तो भारत में ये उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको भारत पाकिस्तान का विदेश सचिव अपॉइंट कर दिया है। और देखिए दसवां प्रश्न है कि हादसे और आप हुदरी नामक आत्मकथा के लेखिका का क्या नाम है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो देखिए इनका नाम है रमणिका गुप्ता। तो फिर से बता दूँ कि रमणिका गुप्ता जो है इनकी एक आत्मकथा थी हादसे और आप हुदरी, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस भी हुई थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए ये हिंदी की एक प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थीं, और इनका जो है बिहार में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और जो कि रमणिका गुप्ता है, इनकी आत्मकथा जो आप हुदरी है, ठीक है, ये काफ़ी लोकप्रिय थी, और आप हुदरी को एक दिलचस्प और समाज का आईना बताए जाने वाली आत्मकथा के रूप में जाना जाता था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट इनको दिमाग में बनाए रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि रमणिका गुप्ता जो है एक समाज सेविका और साथ ही में एक प्रसिद्ध साहित्यकार थी, और इनकी जो आत्मकथा थी हादसे और आप हुदरी, ठीक है, ये काफ़ी फेमस थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और 11वां प्रश्न है कि ओपन सिग्नल की ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 50 सबसे बड़े शहरों में किस शहर में 4G की उपलब्धता सबसे अधिक है। तो देखिए इन 50 शहरों में जो पहले स्थान पर आपके ये आपका शहर है धनबाद, ठीक है, और धनबाद में जो है आपकी 95.3% जो है 4G की उपलब्धता जो है, और देखिए इसमें जो है रांची दूसरे स्थान पर है और श्रीनगर जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 95% से ज़्यादा उपलब्धता आपकी है रांची में, और इस सर्वे में पता चला कि श्रीनगर में 94.9% जो है 4G की उपलब्धता जो है। तो आपको फिर से बता दूं कि ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के 50 सबसे बड़े शहर हैं, ठीक है, तो इसमें से जो आपका धनबाद शहर है यहाँ पे 4G की उपलब्धता जो है ये सबसे अधिक है, और इसके बाद रांची का नंबर आता है, फिर उसके बाद श्रीनगर का नंबर आता है। और 12वां प्रश्न है कि इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो देखिए ये भी आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब जो है जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने, और देखिए जो आपके विक्टर एक्सेलसेन है आपके डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं, और इन्होंने भारत के बैडमिंटन प्लेयर किदंबी श्रीकांत को हराकर जो है ये खिताब जीता है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब जो है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने भारत के किदंबी श्रीकांत को हराकर जीता। और देखिए जो आपका इंडिया ओपन 2019 है ये आपका योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि भारत के नई दिल्ली के केडी जाधव इंदौर स्टेडियम में हाल ही में आयोजित किया गया था। और देखिए जो आपका ये इंडिया ओपन 2019 है इसके अन्य विजेताओं के बारे में आपको बता देता हूँ।
देखिए पुरुष एकल के बारे में बात कर चुके हैं, इसको जीता है विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं और इन्होंने किदंबी श्रीकांत को हराकर ये जो अपना इंडिया ओपन 2019 का बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसमें महिला एकल खिताब जीता है थाईलैंड के रचानोक इंदानो ने चीन की हिंग बिंग जियाओ को हराकर। और देखिए इसमें जो पुरुष डबल्स का खिताब है उसको कितना जीता है, तो देखिए जो आपका इंडिया ओपन 2019 का बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसमें पुरुष डबल्स खिताब जीता है चीनी ताइपे की ली यांग और वांग ची लिन की जोड़ी ने इंडोनेशिया के रिकी करंडा सुवर्दी और अंगा प्रडामा की जोड़ी को हराकर। और देखिए इंडिया ओपन 2019 की बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला डबल्स का खिताब जीता है इंडोनेशिया के ग्रेशिया पोली और अनुप्रिया रहयू की जोड़ी ने मलेशिया के चाओ मी क्वान और ली मैंग येन को हराकर। और देखिए जो इसमें मिक्स डबल्स का खिताब रहा है इसको जीता है चीन की वांग यलू और हुआंग डोपिंग की जोड़ी ने इंडोनेशिया के प्रवीण जार्डन और मेलाती डेवा ओकटाउनी की जोड़ी को हराकर। तो ये सभी विनर्स के नाम आपको याद रखने हैं, इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पुरुष एकल और महिला एकल खिताब, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पर। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस तिथि को अर्थ आवर मनाया गया, इसका आंसर बताइए और साथ में इसकी थीम भी आपको बतानी है, कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना का MiG-27 लड़ाकू विमान इंजन में खराबी आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसका आंसर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि 1 अप्रैल को इसरो के द्वारा PSLV-C45 रॉकेट से कितने विदेशी नैनो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए, इसका आंसर बताइए। देखिए ये कल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया, इसका आंसर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को 3 सालों के लिए करूर वैश्य बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए जल्दी से। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ आज के करंट अफेयर ये सब होता है। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सब्सक्राइब मिल जाए। और देखिए अगर मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हो तो इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।